राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम नाव। कागज की है नाव बनी, कागज की है नाव बनी, रानी संजू दोनों मिलकर नाव चलाते कागज की। कागज की है नाव बनी, कागज की है नाव बनी, रानी संजू दोनों मिलकर नाव चलाते कागज की। चिक चिक बुम बुम, चिक चिक बुम बुम, चिक चिक बुम बुम, चिक चिक बुम बुम। अरे अरे देखो बारिश आ गई, चलो बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। हाँ कागज भी ले लो, बाहर नाव बना के पानी में डालेंगे। ये लो। बन गई मेरी नाव। अरे देखो देखो, मेरी नाव तुम्हारी नाव से आगे निकल गई। देखती जाओ जी, नाव तो मेरी ही जीतेगी। नाव मेरी जीतेगी। पर वो देखो, हम दोनों की नाव तो बहुत दूर चली गई है, क्या पता कौन जीता और कौन हारा। अरे अब क्या करें संजू। अरे चिंता मत करो, मेरे पास और भी हैं, ये देख। अरे वाह, कितनी अच्छी नाव है, मगर ये तो एक है। और ये देखो एक और है। अरे वाह, अब तो बड़ा मजा आ गया। चलो अब इन्हें आराम से तैराते हैं। ये रहा, एक दो और तीन। ये अरे बच्चों, अब तो अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो गई है, भीग जाओगे। आ रहे हैं दीदी। चलो चलो, 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 चलो अंदर चलते हैं। दीदी हम आ गए। दीदी दीदी, आज नाव चलाने में बड़ा मजा आया। मजा तो आ गया, पर तुम तो भीग गए हो, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो। अच्छा दीदी हम जाते हैं, लेकिन आप हमें एक वायदा करिए, जब हम आएंगे आप हमें नाव के बारे में बताएंगी। बताऊंगी बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पहले कपड़े तो बदल लो। अच्छा दीदी। दीदी दीदी हम आ गए। आओ आओ अब आराम से बैठ जाओ। दीदी आपने हमें वायदा किया था ना कि आप हमें नाव के बारे में बताएंगी, बताइए ना। अरे बताती हूँ बताती हूँ, लेकिन पहले क्यों ना नाव पर एक गीत सुने। हाँ हाँ दीदी। चलती हूँ नदी नहर हो या सागर, झूम झूम कर चलती हूँ। नहीं होते हैं पहिए मेरे, नहीं होते हैं पहिए मेरे, फिर भी दौड़ लगाती हूँ। लकड़ी की मैं बनती हूँ, पानी पर मैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा गीत है। लेकिन दीदी हमने तो नाव कागज की बनाई थी। अरे हाँ, क्या नाव लकड़ी की भी बनती है? हाँ बच्चों, नाव लकड़ी की भी बनती है, ये तुम्हारे कागज की नाव से
बहुत ज्यादा बड़ी और मजबूत होती है। अच्छा, इतनी बड़ी होती है नाव? पर दीदी, उस नाव को चलाता कौन है? नाव जो चलाता है उसे हम मल्लाह या नाविक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाविक। और जानते हो बच्चों, नाविक नाव को चप्पू से चलाता है। और जानते हो बच्चों, नाव हमारे लिए बड़े काम की चीज है। अच्छा? हाँ, लोग इसमें बैठकर नदी पार करते हैं, दूर दूर तक आते जाते हैं। अच्छा दीदी। हाँ, इतना ही नहीं बच्चों, नाव से बहुत सारे सामान भी लोग लाते हैं और ले जाते हैं। और जानते हो बच्चों, एक बार तो नाव से ही एक बच्चे की जान बच गई थी। वो कैसे दीदी? तो सुनो बच्चों, एक बार की बात है, नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था राजू। अच्छा। राजू एक दिन बीमार पड़ा, उसके माता पिता बड़े परेशान हुए। राजू की तबीयत धीरे धीरे ज्यादा खराब हो गई। हाँ। क्यों दीदी, क्या राजू को कोई दवा नहीं मिली? जो दवा थी ना बच्चों, वो तो राजू ने खा ली थी। ओ। पर फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई। सभी बड़ी चिंता में पड़ गए। किसी ने कहा राजू को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर डॉक्टर तो उस गांव में था नहीं। दीदी, क्या डॉक्टर नहीं आया? आया बेटा, आगे सुनो पहले। उन दिनों वर्षा भी बहुत हुई थी, नदी में पानी भी भर आया था। अब क्या करें, दूसरे गांव से डॉक्टर को बुलाएं कैसे? इतना पानी था कि ना तांगा जा सकता था, ना मोटर और ना ही बैलगाड़ी। ऐसे समय में बच्चों, बड़े काम में आई नाव। वह कैसे दीदी? राजू के चाचा जी नाव चलाना जानते थे। अच्छा। उन्होंने नाव ली और चल पड़े दूसरे गांव डॉक्टर को लाने। फिर क्या हुआ दीदी? फिर होना क्या था, राजू के चाचा नाव से गए और डॉक्टर को नाव में बैठाकर अपने गांव ले आए। डॉक्टर ने राजू को दवा दी, राजू ठीक हो गया। तो देखा बच्चों, कितने काम की चीज है नाव। हाँ, ये तो है। अब क्यों ना बच्चों, फिर से नाव पर एक गीत हो जाए। हाँ। नाव। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख प्रतिभा श्रीवास्तव, कलाकार हर्ष बाला, अनन्य नाथ और शिखा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।